बढ़ते हुए ईमेल से ये पता चलता है कि आपको हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई सलाह काम आ रही है। ऐसे ही सेकेंड ओपिनियन पाने के लिए आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं careworldtv.com पर और क्लिक करें आस्क द डॉक्टर। जाने माने एक्सपर्ट्स आपको देंगे उचित सलाह। ये ईमेल हमें भेजा है रमेश गुप्ता ने, लिखते हैं, मुझे 5 सालों से हर्निया की प्रॉब्लम है। बारिश के दौरान ये और ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी मैं कुछ स्पाइसी खाता हूँ तो समस्या और ज्यादा बढ़ने लगती है। क्या ये समस्या और भी बढ़ सकती है? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है डॉक्टर? हर्निया का प्रॉब्लम ज्यादा स्पाइसी खाने से बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी इस प्रॉब्लम को हमने पूछा है हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से। आइए देखते हैं वो क्या सलाह देते हैं। रमेश जी, आपने बताया कि आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हर्निया कहाँ पर है और कौन सा हर्निया है। इनफेक्ट बॉडी में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हर्निया हो सकता है। एक होता है हाइटस हर्निया होता है, जो कि अंदर की तरफ होता है, बाहर से दिखता नहीं है, जो कि ईसोफेगस और स्टमक के वाल लूज होने को हर्निया कहते हैं, हाइटस हर्निया। तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो एसिडिटी करता है और उसके लिए आप सिंपल मेडिसिन ले सकते हैं, अनलेस एंटिल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा, अगर आपको कोई नाभि के आसपास हर्निया है या कोई नीचे की तरफ आपको हर्निया है, तो अम्लाइकल हर्निया है या वो सब है, तो अम्लाइकल हर्निया यूजुअली मोटे लोगों में होता है, मोटापे की वजह से होता है। और जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता है या खांसी होती है जिससे पेट पे तनाव आता है या फिर पेट के अंदर पानी आता है, किसी भी तरीके से पेट फूलता है, तो उस टाइम आपका हर्निया बढ़ सकता है बाहर की तरफ। अगर उस टाइप का आपको हर्निया है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, वो मेडिसिन से हल नहीं होगा। और उसके लिए अपना वजन कम करके, मोटापा कम करके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पहले तो आपके सवाल से थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि हर्निया किस टाइप का है, लेकिन अगर हाइटस हर्निया है जो एसिड करता है, उस टाइप का हर्निया है, तो आप मेडिसिन लीजिए। लेकिन अगर आपको अम्लाइकल हर्निया है या इंग्वाइनल हर्निया है और बढ़ता जा रहा है, तो बेहतर है उसकी सर्जरी करा लीजिए। आजकल दूरबीन से सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, आप किसी भी अच्छे सेंटर पर करा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपके दिमाग में उठ रहे सभी क्वेरी का आपको समाधान मिल गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या से जाने माने डॉक्टर्स की सलाह चाहते हैं, तो लॉग ऑन करें careworldtv.com पर और क्लिक करें आस्क द डॉक्टर। हमारे डॉक्टर्स डायरेक्ट मौजूद हैं कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। विजिट www.careworldtv.com। भेजें सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या। लॉग ऑन टू careworldtv.com एंड क्लिक आस्क द डॉक्टर। हमें आपकी फिक्र है।